सर, बहुत ही प्रभावी बहस हुई सर। काफ़ी लंबे अपने सम्माननीय सदस्यों की सूची है तो समय के कारण उनका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं दो तीन बातें आरंभ में करना चाहूंगा। पहले वक्ता हमारे सम्माननीय मित्र सिंघवी साहब नहीं है सर, ट्रिनिटी कैम्ब्रिज भी घूमाए, वहां से भी मुझे ताना कसा गया सर। अब मैं तो पटना के हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं सर, तो ट्रिनिटी कैम्ब्रिज की नहीं सोच सकता, लेकिन जमीन पर जरूर रहता हूं सर। जमीन से जीत गया और अब सर जमीन से जीत के भी चला आया हूं। ठीक कहा हमारे जी ने सर। अब सर कहा गया कसम वादे प्यार वफा सुनाया गया, आधार तो आप लाए थे, अच्छा होता उसको आप याद करते। आपका आधार निराधार था, बिना किसी कानून के था। और पहला काम हमने किया कि कानून को, आधार को हमने कानूनी आधार दिया, क्योंकि बिना कानून के आप काम किए चले जा रहे थे। तो हम तो आपको सम्मान देने वाले थे कि आधार आपने शुरू किया था, गलत शुरू किया था। और बार बार कहा गया कि आप अपने बहुमत से जबरदस्ती बिल पास करना चाहते हैं। बहुत जनता से कहूंगा माननीय उपाध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें बहुमत दिया है, उनकी कृपा से नहीं बहुमत मिला हमें, और हम उनकी तरह नहीं है, चर्चा करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं सर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, हम संसद हैं, ये बात मैंने दूसरे हाउस में भी कही थी, इसको अदालत ना बनाया जाए सर। देश की जनता ने दोनों सदनों को सार्वभौम अधिकार दिया कानून बनाने का, हम देश की जनता के लिए जवाबदेह हैं। हां, न्यायालय का सम्मान है, बट आई वुड लाइक टू जेंटली रिमाइंड द मेंबर्स ऑफ दिस हाउस दैट दिस हाउस एंड दैट हाउस हैज गॉट द पावर टू अनडू ए जजमेंट बाय रिमूविंग द बेसिस ऑफ द जजमेंट। आप शांत, अब कहां कानून में कूद जाते हैं आप, बैठ कर कृपया आप शांत रहिए जरा सर प्लीज। देयरफॉर एवरीवन not following Supreme Court, I say as a student of Constitution, as a member of the Parliament and the Law Minister of India, that the Parliament has got the right to undo a judgment by removing the basis of the judgment, and that is a valid exercise of power. अब इतना power हम लोग को है फिर भी कहा जा रहा है। लेकिन सर मैं बहुत तुरंता से कहना चाहूंगा, हमने सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान किया है और मैं उसको बताऊंगा। लेकिन सर आज मैं आरंभ में एक आध बातें कहना चाहता हूं, तो थोड़ा सा मैं उसको विस्तार से इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमें यह बताएं कि अगर 1,41,000 करोड़ रुपया बचा है, 7,48,000 के DBT में, तो यह टैक्स पेयर का पैसा है कि नहीं हमें बताएं। यहां बैठे हैं रामविलास जी माननीय मंत्री, अगर सर 2.98 करोड़ के फर्जी राशन कार्ड आज सारे, तो क्या हुआ, ये सही है गलत काम हुआ है, क्या पैसा इस तरह से देश का जाना चाहिए? 15 करोड़ बेनिफिशियरी में 2.98 करोड़ फर्जी पाए गए थे जो राशन कार्ड पर, 4.23 करोड़ LPG। अब सर कुछ बातें उठाई गई सर, मेरे पास मालूम हुआ झारखंड की कहानी, बाकी वो एक दूसरी कहानी है, उसका केस चल रहा है कि डुप्लीकेट किया गया था। मैंने निर्देश दिया सर किसी गरीब को खाना आधार के बिना रोका नहीं जाएगा, और बकायदे सारे चीफ सेक्रेटरी को सर्कुलर इशू किया गया था। लेकिन सर मुझे लगता है कि आधार के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है सर, तो थोड़ा मैं आपके आज्ञा लेकर सर, ये मेरा आधार कार्ड है, इसमें क्या है सर, मेरी फोटो है, मैं एक पुरुष हूं मेल, और मेरा आधार नंबर है, और पीछे मेरे पिताजी का नाम और पटना का स्थायी पता है। इसमें क्या नहीं है सर, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी कमाई, मेरी बीमारी और मेरे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, जिससे हमको प्रोफाइल किया जा सके। लेकिन सिस्टम में क्या है सर, सिस्टम में हमारी 200 उंगलियों के निशान और आयरिस आंखों की पुतली, जिसको कहते हैं कोर बायोमेट्रिक्स। और आज जो 123 करोड़ सर है, और ये सारा भारत के, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने बनाया है सर, 2.88 करोड़ ऑथेंटिकेशन हम रोज करते हैं सर, और सर ये इतना सेफ एंड साउंड है, जो नए मेंबर ने बात कही सर, बैंक के लिए सर 256
बिट इंक्रिप्शन है। आधार के डाटा के लिए सर 2048 बिट इंक्रिप्शन है, मतलब ये कभी टूटेगा नहीं, ये इतना सेफ एंड सिक्योर है। लेकिन सर अभी अमेंडमेंट की बात की जा रही है सर, हम लोगों ने मूल एक्ट में क्या कहा था सर, मैं सेक्शन 28 पढ़ना चाहता हूं सर, सॉरी सर, हाँ सर सेक्शन 28, बस मैं एक मिनट पढ़ दूं सर ताकि कई कंफ्यूज, मैं ओरिजिनल एक्ट में पढ़ रहा हूं सर, 29 सर मैं पढ़ रहा हूं ओरिजिनल एक्ट का सर जो हम लोगों ने पास किया था, नो कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड और क्रिएटेड इन दिस एक्ट शैल बी शेयर्ड विथ एनी वन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर। तो मतलब उंगलियों के निशान और पुतली, ये कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा। इसका कारण क्या है? इंसान अपना नाम बदल सकता है लेकिन अपनी उंगलियों के निशान और पुतलियां नहीं बदल सकता, ये ऊपर वाला बनाकर भेजता है, इसलिए कहते हैं इसको कोर बायोमेट्रिक्स, और ये कभी भी शेयर नहीं किया जाएगा। ये शेयर किया जाएगा सर दो कारणों पर, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी हो तो प्रधान के ज्वाइंट सेक्रेटरी सर देखेंगे हमने बदला है, अब एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में आईटी सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी बैठेंगे और टेलीकॉम सेक्रेटरी उसको कंफर्म करेंगे, तब भी दो महीना लगभग चलेगा सर। दूसरा, अगर एक कोर्ट ऑर्डर करता है इसको रिलीज करने का, पहले वो डिस्ट्रिक्ट जज से था, अब हमने कहा है हाई कोर्ट जज करेंगे तो हम करेंगे। तो सर पूरी सुरक्षा रखी गई है। अब सर कमाल की बात है सर कि आजकल माइनॉरिटी जजमेंट को कहा जाता है सर, और आज सर मैं इस सदन में बोल रहा हूं तो बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों का सम्मान है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और यह बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, संविधान के छात्र के रूप में बोल रहा हूं, हम उनका सम्मान करते हो हमारा भी सम्मान, वो तोड़ दे कानून को, बट आई कैन से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हार्श वर्ड्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड मस्ट बी अवॉइडेड इवन बाई अ लोन जज फॉर द डिसेंटिंग जज। वो बहुत विद्वान जज है लेकिन उन्होंने एक दूसरे केस में निर्णय किया और मुझे एक बार उनके सामने टिप्पणी करनी पड़ी विज्ञान भवन में लौटे पर, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को बनाने वाले ये जानते थे कि बहुमत की सरकार तानाशाह होती है। ये कहां से ले आए भाई वो, ये सच है जजमेंट, आई हैव टू से इट ओपनली दैट दीज काइंड्स ऑफ स्वीपिंग कमेंट्स एट बेस्ट बी अवॉइडेड। लेकिन सर मैं जजमेंट पर आने के पहले आधार के बारे में बहुत कुछ कहा गया, ये स्टडी वो स्टडी, ये देखिए बिल गेट्स आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट सर, उन्होंने क्या किया है, आधार इन इटसेल्फ डज नॉट पोज एनी प्राइवेसी बिकॉज इट इज जस्ट ए बायो आईडी वेरिफिकेशन स्कीम, ये बिल गेट ने कहा 2018 में। फिर उन्होंने क्या कहा 16 में सर, इंडिया हैज ऑल द पीसेस इन प्लेस फॉर ए कॉम्पेलिंग विजन फॉर डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार विल कन्वर्ट ए कंबर्सम पेपर बेस्ड अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इनटू 30 सेकंड ऑल डिजिटल सिस्टम। अब सर ये देखिए एक लेख है सर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का, विवेक पदवा ने लिखा है, आधार ए गेम चेंजर, अमेरिका कैन लर्न फ्रॉम इंडिया डिजिटल ड्राइव। और सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एज पर डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक 2016, वंस आधार इज अप्लाइड टू ऑल सोशल प्रोग्राम एंड वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज एस्टिमेटेड इट विल सेव $11 billion पर एनम। तो दुनिया आधार की तरफ सर, देखिए ये है हमारे थॉमस फ्रीडमैन, आपने पढ़ा होगा द वर्ल्ड इज फ्लैट, दुनिया के बहुत नामी है, इंडियन गवर्नमेंट टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रस्टेड यूनिक आईडी प्लेटफॉर्म टाइप टू सेल फोन एंड मोबाइल बैंक अकाउंट इज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ डिजिटल रेल रोड इनेबलिंग द मोर एफिशियंट एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और सर सत्ता नडेला सर जो आपके बहुत भारत के हैं सर, बहुत नामी हैं सर, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आधार हैज नाउ स्केल टू ओवर 1 billion पीपुल rivaling the growth of other platform innovation such as Windows, Android and Facebook. तो सर जिन लोगों ने डिजिटल क्षेत्र में दुनिया में अपना परचम लहराया है सर, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे थॉमस फ्रीडमैन हो,
चाहे बाकी हो, वो आधार की तारीफ कर रहे हैं। यूएन की डिजिटल डेवलपमेंट रिपोर्ट कह रही है कि आधार से 11 बिलियन डॉलर हर साल बचेगा अगर सब स्कीम लगा दिया जाए। तो जिनको जिन्होंने दुनिया में परचम लड़ाया वो स्वीकार कर रहे हैं, तो अब यहां इसकी स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, ये बात मैं कहूंगा। अब सर मनी बिल पर माइनॉरिटी की बात की गई, सर मनी बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा है, सर मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन कहा गया है, देयरफॉर सेक्शन 7 इज द कोर प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट एंड द प्रोविजन सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजॉरिटी ने सारा, मैंने सर विस्तार से नहीं जा रहा हूं सर, तो हम सदन में बात करते हैं सर, तो माइनॉरिटी एक है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दूसरा होता है, और देश का कानून मेजॉरिटी जजमेंट होता है, ये सर मुझे इस सदन में बताने की जरूरत नहीं है। अब सर दो तीन सवाल उठाए गए सर, सर मैं कभी इसे अस्वीकार नहीं करूंगा, आधार कोई एक्सक्लूजन नहीं है, और सदन में मैंने बार बार कहा है, आज भी कहना चाह रहा हूं, किसी गरीब को उसके अनाज का हक तभी नहीं मारा जाएगा अगर आधार नहीं है। हमने सिर्फ यह कहा है वो आधार के लिए अप्लाई कर दे, लेकिन वैकल्पिक आधार पर उसका कभी भोजन रोको नहीं। जबकि अगर ऑर्गेनाइजेशन फंड से अब आता है पैसा तो आधार का मैंडेटरी है, तो फिर भी हमने कहा है। अब सर कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट को अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं, सर जयराम रमेश ने एक बात कही सर, उस कानून को थोड़ा हम पढ़ देना चाहते हैं सर। उन्होंने सर एक बात कही सर, क्लॉज 7 नॉटविथस्टैंडिंग, सर एट टाइम्स विथ माय लिटिल लॉन्ग इंग्लिश आई ओनली नो सेलेक्टिव रीडिंग इज नॉट ए डिजायरेबल और ए प्रॉफिटेबल रीडिंग, देयरफॉर लेट मी हैव द फुल रीडिंग ऑफ द फुल सेक्शन ऑफ क्लॉज 7, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग द फॉरगोइंग प्रोविजन, mandatory authentication of an Aadhaar number holder for the provision of any service shall take place if such authentication is required by a law made by a parliament. अगर कानून बना करके इस संसद को पूरा अधिकार है, अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बना के अधिकार देती है सर, तो उसमें क्या आपत्ति होती है हमें समझ नहीं आता है। सर अब बात कही गई आपने टेलीफोन का और मनी लॉन्ड्रिंग का क्यों जोड़ दिया सर, सर मैं समय की कमी के कारण नहीं पढ़ूंगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सर मेरे पास वो सारे जजमेंट हैं, लेकिन मैं एक दो तीन लाइन खाली सर मैं पढ़ देना चाहता हूं सर, कि सर प्राइवेसी एक्ट ने क्या कहा सर सुप्रीम कोर्ट, सर आपको मालूम है कि पुट्टुस्वामी जजमेंट आया था तो कोर्ट ने कहा कि 9 बेंच में जाएगा, पहले प्राइवेसी का फैसला होगा, उसके बाद हम इसकी वैधता का 5 जज फैसला करेंगे। क्या कहा सर सुप्रीम कोर्ट ने, सर मैं बस 5 लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ने दिया जाए, जिसकी कुछ चर्चा नए सदस्य और माननीय हमारे कर्नाटका के मित्र ने जो बहुत बढ़िया बोले उन्होंने रखा, राजीव चंद्रशेखर ने सर, देखिए सर, एन इन्वेजन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मस्ट मीट द 3-4 रिक्वायरमेंट लीगली इज पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ नीड डिफाइन इन टर्म्स ऑफ लेजिटिमेट स्टेट एम एंड प्रोपोर्शनैलिटी, सर द लेजिटिमेट एम ऑफ द स्टेट वुड इंक्लूड फॉर इंस्टेंस प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम, encouraging innovation and the spread of knowledge and preventing the dissipation of social welfare benefits. अब सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आधार कभी मैंडेटरी नहीं होना चाहिए सिम कार्ड के लिए, लेकिन देश में चर्चा होती है, माननीय प्रकाश कहां बैठे हुए हैं हमारे मित्र एनवायरमेंट मिनिस्टर, आप इतना कागज लेके जाएंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, ये फॉर्म वो फॉर्म, तो क्या अगर सरकार ये व्यू लेती है हम एक नॉर्म आधार भी देंगे ताकि इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए कागज की बचत हो, और अगर लोग चाहते हैं कि हम अपना इतना कागज लेके नहीं जाएंगे मेरे आधार कोड ओके है, तो अगर जनता चाहती है कि अपना हम सिम कार्ड आधार से यूज करेंगे तो सदन को क्या परेशानी है। अब सर बैंकिंग की बात आई, मैंने कभी नंबर दिया 68 करोड़ 69 करोड़, अगर 69 करोड़ लोग चाहते हैं कि इस देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को रोकना है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन गेटिंग माई बैंक अकाउंट लिंक विद आधार, तो अगर लोगों को समस्या नहीं है तो यहां बैठे हुए लोगों को क्या समस्या है। अब सर कहा गया कि सुखिंदु बाबू, यस माई गुड फ्रेंड, ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि हाउ लॉन्ग द पीपल आर लिटरेट, सुखिंदु बाबू सिंस आई एम डिजिटल लिटरेसी, सर वी हैव ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर डिजिटल लिटरेसी ऑफ 6 करोड़ इंडियंस,
2.5 crore have been digitally made literate. But for kind information of Tukendu Babu, remember one profile of India. Population 130 crore, Aadhaar 123 crore, mobile for 121 crore. And 670 crore smartphone. And sir, I was amazed to find, whenever I have institution common service center, sir, aapko pata hai sir, वो संख्या 80,000 थी, मैं उसको ले गया हूँ, 3.5 लाख 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में है, 12 लाख बच्चे बच्चियाँ काम करते हैं सर, तो सर मैं प्रवास में जाता हूँ, पेंशन दे रहे हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, डिजिटल सर्विसेज देते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स देते हैं, रेलवे टिकट करते हैं, कहा भैया हमें स्मार्टफोन चाहिए, और पढ़े लिखे तीसरे क्लास हैं सर। सुखेंदु बाबू, लेट अस एक्नॉलेज द ग्रेट पावर ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, adopt technology, start using technology. And sir, what I must say for my leader, the Prime Minister of India, because he started using technology in early 90s, the digital diary, etc. He trusted the ordinary Indians with the power of technology to change their life. That is digital India, and the people have responded by so many people have become. So sir, hum desh ke logon ki taakat ko zara hum kamzor karke nahi aate. Ab sir, hum dusri baat kehna chahte hain. हमने आधार के माध्यम से बैंक को नहीं जोड़ा है सर, इस हाउस को बताना जरूरी है। हमने टेलीग्राफ एक्ट में बदलाव किया है, और हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बदलाव किया है सर। वी आर नॉट टचिंग द आर्किटेक्चर ऑफ आधार, वी आर ओनली चेंजिंग द कंसर्न लॉ, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट सेड सिंस यू हैव ब्रॉट SIM card provision by a rule and that too mandatory, you must come with a law and proportionate law. The same they said about money laundering, because 139AA in case of income tax PAN card they upheld because it was by a law. Sir, main aapse ek sawal puchta hu. Is desh mein aap bhi jante hain, aapka vyapak anubhav hai ki log accident karte hain aur Bihar UP se driver Madhya Pradesh chala jata hai aur wo apna naam badal karke motor vehicle license le leta hai. आप मुझे ये बताएं, अगर कल ये सदन विचार करता है कि नहीं हम मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान करेंगे कि अब मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए आधार कार्ड का लिंकेज होना जरूरी है, क्योंकि तुम नाम बदल सकते हो, अपनी उंगलियों का निशान नहीं बदल सकते हो, ए परफेक्ट लेजिटिमेट एम कंफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दे विल हैव प्रॉब्लम देयर। देयरफॉर व्हाट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड इज आधार लॉ, नो प्रॉब्लम, no exclusion, other is using Aadhaar platform for other services by a legitimate parliamentary law. That is the distinction I am trying to make. Therefore, to say like this will not be a fair part. Ab sir, kai baatein uthai hain ki hum log tanashahi kar rahe hain sir. Sir, mujhe bataya gaya ki chunav khatam ho gaya hai shayad ab to. Chunav mein to charcha bahut chali. Mr. Vishwam, I hope your party campaigned a lot against us, isn't it? Mr. Modi is the fascist, Mr. Modi is dictatorial, and BJP what not? Now the people have rejected that, including to them. I think at least we need to respect the mandate of the people of India, that the poor family born Narendra Modi has metamorphosed the country's poor for development. Let's acknowledge that. Let us not use this platform of Aadhaar debate to again revive the unnecessary campaign material which you all have lost very, very badly. And I don't want to make any personal comment, but I was told that CPI has won just one seat. Come on, at one point of time CPI was a big party. My distinguished president of the party, now acting Naddaji, was also a part in Patna College. We were activists of the student union and JP movement. CPI was a big party, but Marx said the state will wither away. We never thought that left political parties will be there. That is also a fact. Let's ignore that for a moment. Now, sir, coming to the other clarification, sir. Sir, please. Let him finish. Agreed. Let him finish. Then. Let him finish, please. Please let him finish. Sir, please take it. Let him finish. Sir, he is not yielding. Rangarajan saab, you have
सर सर मिस्टर रंगराजन इज अ वेरी सीनियर मिस्टर रंगराजन इज अ वेरी सीनियर लीडर सर जस्ट I am only saying this, sir. That I am only Anandji, just a minute. Anandji. I am referring about the proceeding of the house, the other day honorable chairman who sit in the when a name of the party was taken, the ruling party's name was taken, it was expunged. I have already asked, not told, please. Sir, my reply is very simple, sir. Please. He is competent. Please. Sir, my request is, I hope all of them appreciate, sir. The fun and pun is a part of parliamentary debate. If they are not able to appreciate fun and pun, sir. 6:01. The House is debating a very important legislation, so I suggest that till the business is over, the timing of the House be extended. Thank you. Please. Now, sir, last issue, sir. I don't want to extend, sir. A lot of questions were asked on the data protection law, sir. Sir, you have taken the sense of the House. Solid. Please. It has been taken. No, he has that question. Now, sir, data protection law, sir. I want to convey to this House, it is a work in progress. Why I am saying so, try to understand, sir. And I want to deal with a little elaboration, sir. We are going to come with a very comprehensive data protection law, sir. Judge Srikrishna has given a good report, sir. Before that, he went, had 4 stakeholder consultation. Sir, when the report came, sir, I don't want to go to the date, sir. Thereafter, the Supreme Court judgment on privacy came. Then a view was taken that we should have further stakeholder consultation by putting on the website, sir. I agreed. Let's have elaborate. Now, sir, then came November, December, sir. Now, if in that point in time, I ought to have come with this part, maybe a question would have raised. Now you have to face elections. Why you are coming? Now, all right, we are sure of winning back again. We'll come this law once the new parliament comes, sir. But, sir, here I must clarify one thing, sir. This amendment was passed by the Lok Sabha in January. Then it has come here again. Could not be passed here, sir. In terms of constitutional provision, the bill has to lapse. Again, it has been passed by the Lok Sabha and come here, sir. So this clarification I need to. But, sir, certain general observations about data I must share with this House, sir. I wish to assure this House that data sovereignty is integral to us. That shall never be compromised as far as India is concerned, sir. The second issue I have to highlight is, India is producing some of the biggest data of the world, in the world. And speaking for myself, I am very keen that India should become a big center of data analysis. India must become the center of data refineries. And therefore, I say, we have to have a proper balance. Data availability, data anonymity, data innovation, data utility, and data privacy. And data security, very well said. Now the Supreme Court, sir, again, sir, I have got all the paragraphs of Supreme Court with me, sir. Yes. For the sake of time, I am not reading that. What has the Supreme Court said? Aadhaar does not violate privacy. We have said very clearly. Number 2, Aadhaar subserves a proper, legitimate state's aim. Number 3, there are proper protection, security walls available in the Aadhaar ecosystem whereby these can't be invaded. Yes, on 57, they are right. They quashed it. On 33, they made some changes. And what they said? UIDAI needs also to be reinforced. That was also the recommendation of Sri Krishna Committee. Therefore, by this amendment, we are also giving the power. And, sir, I don't want to read that provision, but let me just read that because a lot of things have been raised about private telecom companies. Therefore, just one clause I need to read, sir, with great respect to you, sir. Now, kindly see, sir, I am reading clause 6 of Amendment Section 24. If for identification of a person, authentication under clause A, that is telegraph, sir,
clause A of Subsection 3 is used, neither is core biometric information nor the Aadhaar number of the person shall be stored. Now, if they store 1 crore fine, 10 lakh daily in the event of non-payment, and 3 years or 7 years of jail. तो सर कानून में इतने सख्त प्रावधान रखा हुआ है कि वो सिर्फ लेंगे और वापस कर देंगे, न कोर बायोमेट्रिक लेंगे, न ऑथेंटिकेशन लेंगे, न रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो सर अब मान लीजिए सर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, सर मैं इस पर कोई जस्टिफाई नहीं करूंगा, 50,000 लोगों का हम लाइसेंस कैंसिल कर चुके हैं 6 लाख ऑपरेटर में से, इतनी सख्ती हम रखते हैं सर। और जो धोनी साहब की बात माननीय संजय जी ने कही सर, उनकी पत्नी ने मुझे ट्वीट किया था सर, उस पर नंबर नहीं सामने था, वो लड़का इतना उत्साहित हो गया था, मुझे बताया गया कि मैं धोनी जी का आधार बना रहा हूं, कि उसने अपने फोटो ट्वीट कर दिया था, मैंने उसको 10 साल के लिए पेनाल्टी कर दी। मैं इतनी सख्ती करता हूं क्यों? क्योंकि आधार देश का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। शुरुआत तो उन्होंने की, अब उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, हालांकि उनका आधार निराधार था, तो मैं क्या बताऊं। लेकिन सर हम एक बात जो अंत में कहना चाहते हैं, वाई वी नीड टू हैव द वाइडेस्ट कंसल्टेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, और ये बात करके मैं बात समाप्त करूंगा सर। द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग टूवर्ड्स इंडिया डेटा प्रोटेक्शन। सर जो उन्होंने बात की GDPR की, जो यूरोपियन यूनियन का है, उसको लेकर पूरी दुनिया में बहुत मिसगिविंग्स है। और सर मैंने स्वयं इसका अनुभव किया सर, पिछले वर्ष मैं सिलिकन वैली गया था, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था, कई प्रोफेसर भी आए थे, उन्होंने कहा ऑल ऑफ अस आर कीनली अवेटिंग इंडिया डेटा प्रोटेक्शन लॉ, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, India is a country of inclusion, India is a country of reform and empowerment. Therefore, the data protection law which emerged from India would become a beacon for the whole world. तो हम चाहते हैं, और सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो अथॉरिटी है आधार की, ये भी उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेगी, लाइक ए फिड्यूसरी ट्रस्ट। जो बंधन आधार में डेटा प्रोटेक्शन लॉ में बाकी एंटिटीज पर होंगी, वो UIDAI पर भी होगी सर। ये बात मैं सर को कहना चाहता हूँ। तो जल्दी हम लाने वाले हैं, अच्छा लगेगा, आप भी देखेंगे, आप विचार करिए, और मैं चाहूंगा कि आप और विस्तार से अपनी बात कहिएगा, डाटा प्रोटेक्शन आएगा, क्योंकि दोनों में कभी न कोई विसंगति है सर, न दोनों में न कोई कॉन्ट्रडिक्शन है सर। UIDAI ऑपरेट्स इन डिफरेंट फील्ड, डेटा प्रोटेक्शन इज अ लार्जर नेटवर्क वेयर बाय वी विश टू सिक्योर द आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड द इंटायर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डाटा एज अ रियल प्लेटफॉर्म टू बी ग्लोबली फॉलोड। सर विद दीज वर्ड सर मैं अपने मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है सर, मुझे लगता है सर इसको सदन पूरा पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। श्री रविशंकर प्रसाद, टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2019। सर आई मूव दैट दिस ऑनरेबल हाउस में कंसिडर द आधार एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2019। कुछ बोलना चाहें सर? वेरी ब्रीफली मे आई इंडिकेट सर व्हाई वी हैव कम टू द हाउस सर। Aadhaar main bill had been passed, sir. It was also debated in the Honorable Supreme Court, sir, argued, disputed. The Supreme Court gave a judgment, sir. And what the Supreme Court judgment, briefly I'll say, and what we have done in compliance thereof, thereafter I'll say, sir. The Honorable Supreme Court said, if a child becomes an adult, he must have the right to withdraw, because his consent is given by his parents. That we have taken care of. In the Telegraph Act, by a circular, we had made a provision for linking of Aadhaar for getting a SIM card. The Supreme Court said, don't do it by a circular, come with a law. Similarly, in the Prevention of Money Laundering Act, by a rules linking what permitted for bank account with Aadhaar, the Supreme Court said, don't do it by rules, come with a law. Now, and also the Supreme and Honorable Deputy Chairperson, you may recall that we have set up a Justice Sri Krishna committee to go into the entire gamut of this, and the Honorable and that committee had recommended that the functioning of Aadhaar must be strengthened, authority must be given more powers, and there must be more punitive provisions so that there are no deviations. Now, what we have done, I will just serialize 1.1 points, and then I'll conclude. I'll wait for the debate, then I'll give elaborate reply. Number one, a clear provision in the amendment that once a child becomes an adult, he'll have the right to withdraw or give fresh consent. Sir, second, very important, we have made amendment in the Telegraph Act
whereby we have permitted that, but with a caveat. It shall not be mandatory. It shall be voluntary. Namely, the customer can come with Aadhaar or any other document like passport or other recommended by the regulations. In case of bank also, sir, we have said it shall not be mandatory but voluntary. And Aadhaar shall be one of the means of identity apart from passport or others by regulations. We have explained what is the meaning of voluntary, sir. The meaning of voluntary is that which is acquired with the consent of the customer. Therefore, the element of consent has been met, a precondition for voluntary identification. And Honorable Deputy Chairman, sir, we have also made one more elaborate provisions. Namely, Aadhaar can be used if there is a state objective or Parliament has passed a law backing such objective. Thirdly, the authority permits the entity that your initiative is covered by proper privacy and security concerns. Only in those scenarios this can be allowed, but it shall be voluntary. And the recurring theme, Honorable Deputy Chairperson, is that under no circumstances the services shall be denied to any of the beneficiary whom they come to approach. So this is the entire ecosystem. Sir, one thing more to safeguard the interest of customers vis-a-vis Aadhaar law. The present law also makes a provision very clearly and categorically that no company, the banking or the telecom company, shall keep the data, Aadhaar number and biometric. Apart from the elementary identity credentials checkup required for opening the bank account or the SIM card. And if they do, 1 crore fine and 10 lakh per day fine, apart from punitive fine, are existing. Therefore, no telecom company or banking company can at all keep the data of Aadhaar number and also the identification certificate in terms of authentication. Sir, we have also done a last thing, sir. And what is that, sir? Offline verification. Again, coming from the recommendation of the Krishna Committee. What is offline verification, sir? Offline verification clearly says, I need not disclose my Aadhaar card. There shall be on the website, upon my request, an offline verification. And if anyone wants to use my services, they can also connect with that. And the system will respond, this particular offline verification belongs to me. Therefore, my Aadhaar card will not be exposed at all, sir. These are the basic nuances of the amendment, sir. I would like to also clarify, the Honorable Supreme Court has clearly stated that Aadhaar subserves the legitimate aim. Aadhaar does not violate the principle of privacy. Aadhaar also clearly is needed for dispersal of subsidies and saving the entire misuse of those provisions, sir. Therefore, what we have done, sir, many of the state governments also used to complain. Under Section 7, you are giving the benefit to schemes which are paid out of the Consolidated Fund of India. But we in the state also have Consolidated Fund. Therefore, we also give many subsidies to kindly bring in also the Consolidated Fund of the state. So that amendment also in mind, sir, approved by the Lok Sabha, sir. Sir, before I conclude, sir, with great respect, I would like to share before this Honorable House, sir, certain data, sir. India has a population of roughly 130 crore, out of which 123.81 crore Indians are having Aadhaar. Therefore, such a massive majority of Indians are having Aadhaar. Sir, 69.38 crore mobile number are linked with Aadhaar. 69.38 crore. And sir, bank account are 65.91 crores linked with Aadhaar. Sir, this house must have heard about direct benefit transfer, sir. We have sent 7.48 lakh crore of direct benefit transfer in more than 240 schemes to people around the country. And we have saved 1.41 lakh crore. Sir, Aadhaar ne bahut alp kaal mein apni upyogita, apni pramanikta, apni imandari
और गरीब लोगों के लिए सशक्तिकरण को स्थापित किया। सर मैं अंत में एक बात कहूंगा, देश तो आधार के साथ चल पड़ा है, इस यात्रा को और मजबूत करने की जरूरत है। और सर पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री ने मुझे आईटी मंत्री रखा है, तो आधार मैं देखता हूं। इन 5 वर्षों में सर मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, एक गरीब ने मुझे शिकायत नहीं की, न मैंने पूछा भी कि आधार के कारण उसका जीवन कठिन हुआ है। मैं उत्तर में बताऊंगा उसका जीवन सरल हुआ है, आज उसके बैंक में पैसा जा रहा है, उसकी एंट्री से उसको पैसा मिल रहा है सर। तो ये बदलाव हुआ है, मैं अध्यक्षा करूंगा कि इस पूरे संशोधन को हाउस पास करेगा। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।